स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए खसूसी अहमियत रखता है। दो तरफा तजारत का फरोग पूरे खित्ते में अमन व खुशहाली का बायस बनेगा। अफगानिस्तान के लिए वीजा पॉलिसी को जो है ना हमने चेंज किया, स्टूडेंट जितना उसका यहाँ टेन्योर होगा उसके मुताबिक उसको वीजा मिलेगा। विजिट वीजा भी वो भी हमने 6 महीने किया और हेल्थ वीजा वो बॉर्डर पे जो है ना वो मिले, ये सारा हमने पार्लियामेंट के थ्रू करवाया। ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, जो हमारे अफगान भाई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो उसको तमाम सहूलियतें दी जाएं जो सहूलियतें यहाँ की शहरी को है। मुश्तरका ऐवान सनअत व तजारत के चेयरमैन जुबैर मोतीवाला ने कहा कि अफगानिस्तान में बैंकारी ज़राए गैर फाल होने के बाद अदायगियों में शदीद मुश्किलात से ताजर बार्टर ट्रेड पर मजबूर हो गए हैं। इजलास में राहदारी तजारत को मजीद आसान बनाने के लिए अदायगियों और बार्टर ट्रेड के लिए मौसर तरीकाकार के तयन की जरूरत पर भी जोर दिया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तजारत और सरमाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा तआवुन को बढ़ाने के वसी मौके मौजूद हैं जिनसे दोनों मुल्कों के सरमाकार भरपूर फायदा उठा सकते हैं। हसन तारिक भट्ट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। Gracias.